हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फर्स्ट विकास मैथमेटिक वर्कबुक एनसीईआरटी। आर यू फाइन स्टूडेंट्स? आई होप यू विल ऑल फाइन। आप घर पे होंगे तो फाइन और शेप होंगे। टुडे स्टार्ट सब्जेक्ट मैथमेटिक। नाउ स्टार्ट स्टूडेंट्स चैप्टर 11 का क्वेश्चन। चैप्टर वैसे तो हमें हमारा टेक्स्ट बुक में चैप्टर 12 स्टार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर 11 में हमारा ये लास्ट का पेज रह गया था, आज हम कंप्लीट करा तो उसके बाद हम चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे। रेडी स्टूडेंट्स? चलो 61 के बाद क्या आएगा? 62, फिर आएगा 63, 64, 65, 66, 67, 68, ओके। फिर 71 है तो यहाँ पर आएगा 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 83 के बाद आएगा 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे 52 है, यहाँ पर आएगा 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 94 के पहले यहाँ क्या आएगा? 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग क्या करना है, 61 से लेकर 100 तक कंप्लीट करना है इस तरह से आपको आपकी वर्क बुक्स में। ओके क्वेश्चन 8, कलर द पिक्चर विद द नंबर दैट कम बिटवीन 81 टू 90। स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, कलर करना है यहाँ पर जो से नंबर दिए गए, जैसे 81 टू 90 आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप लोग को क्या करना है, पहले करना है 82, मैं आपको सर्कल कर दे रही हूँ स्टूडेंट्स, मैं आपको टिक करते हुए आपको कलर करना है 82। ओके स्टूडेंट्स, फिर है यहाँ पर 84, 85, 88 और 87। इसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, 81 से लेकर 90 तक में आपको कलर कंप्लीट करना है। कलर द पिक्चर विद द नंबर दैट कम बिटवीन 91 टू 100। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, 91 से लेकर 100 तक जो बीच में जो नंबर आते हैं उस पर आपको कलर्स करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स 91 में पहले क्या आएगा? 92। स्टूडेंट इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें 92 के बाद करना है 94 पे हमें कलर करना है। ठीक है, उसके बाद है 95, उसके बाद स्टूडेंट्स 96, लास्ट में 99। ओके स्टूडेंट, तो 91 से लेके 100 तक जितने ये जो नंबर आते हैं स्टूडेंट्स उसी में करना है पिक्चर, आई मीन उसी पे कलर करना, बाकी पे हमें कलर नहीं करना। ओके स्टूडेंट, तो चैप्टर 11 कंप्लीट्स वर्क बुक में। नाउ वी स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स चैप्टर 12। स्टूडेंट्स चैप्टर 12 मनी, ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट, आपको ये ऑब्जर्व करना और समझना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देख सकते हो स्टूडेंट्स ये क्या है, ये 1 रुपी का कॉइन है कि 1 रुपये का सिक्का है। और स्टूडेंट्स ये भी क्या है स्टूडेंट्स, ये भी 1 रुपी का। स्टूडेंट्स ये क्या है स्टूडेंट्स, क्या ये आगे स्टूडेंट्स आई मीन जो सिक्के होते हैं जो कॉइन, उसके आगे पीछे के दो पार्ट्स होते हैं ना स्टूडेंट्स। ओके, ये ऊपर का पार्ट्स उसके पीछे का पार्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट देखो, ये रहा 2 और ये रहा ये। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों साइड, ओके आगे की साइड और पीछे की साइड जो दोनों के स्टूडेंट्स भाग होते हैं वही यहाँ पर दिया गया। ठीक है, 5 रुपीज़ का, देखो स्टूडेंट देख सकते हो ये 5 रुपीज़ का स्टैंड यहाँ पर इस तरह से होता है। 10 रुपीज़ का भी इस तरह से कॉइन होता है, उसके भी देखो यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, देख सकते हो आप लोग आगे पीछे कैसे दो पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट, दोनों के यहाँ पर फोटो यहाँ पर पिक्चर दिया गया हमको। ठीक है, अब स्टूडेंट्स 1 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, देखो सो 1 रुपये की जो नोट है यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये रहा देखो स्टूडेंट्स, ठीक है आगे का पार्ट्स और पीछे के पार्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों फोटोस दिए गए हैं 2 नंबर 2। ओके, 2 रुपये की जो नोट होती है स्टूडेंट, 2 रुपीज़ की नोट वो भी देखो स्टूडेंट्स दी गई यहाँ पर। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आगे का और ये पीछे का पार्ट्स है, या 5 रुपीज़ का आगे का, ये पीछे का, 10 रुपीज़ का आगे का और पीछे का। स्टूडेंट्स अभी तो स्टूडेंट्स फिलहाल स्टूडेंट्स एक जो 1 रुपीज़ की नोट होती थी 1 रुपये की और 2 रुपये की नोट स्टूडेंट्स अभी फिलहाल बंद हो चुकी है। अभी ऐसे खासकर मैं मार्केट में देखने को नहीं मिलती है। अभी हाल में चल किस कौन से कॉइन चल रहे हैं, 1, 2, 5 और 10 रुपीज़ ऐसे सब कॉइन चल रहे हैं। ठीक है, और 10 रुपीज़ की नोट। ओके स्टूडेंट्स, ना भी नेक्स्ट पे टर्न करेंगे स्टूडेंट्स, ये नोट से 20 रुपीज़ की 20 रुपये की नोट है स्टूडेंट्स, देख सकते हो ये दूसरे दोनों पार्ट्स दिए गए हैं। ये है 50 रुपीज़ की 50 रुपये की नोट है स्टूडेंट्स, ये है 100 रुपीज़ की, ये 200 और ये 500। ओके स्टूडेंट्स, ये 20 रुपये की नोट है, ये 50, ये 100, ये 200 एंड ये 500। ओके स्टूडेंट, इसके दोनों पार्ट्स स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, लेफ्ट राइट ऐसे दोनों भागे दो हैं स्टूडेंट्स, आगे पीछे के दोनों के दिए गए हैं फोटो, देख सकते हो स्टूडेंट्स
ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट अभी फिलहाल में ये नोट्स नहीं आई, एक 20 रुपीज़ की, 50 रुपीज़ की न्यू नोट है, 100 की भी न्यू नोट है और 200 की भी न्यू नोट है क्वेश्चंस, और 500 की भी तो न्यू नोट है पर काफ़ी टाइम से चल रही है क्वेश्चंस। नाउ वी नेक्स्ट पे टर्न करेंगे फ्रेंड्स, ये है 2000s, ओके 2000s नोट्स की, 2000 रुपये की नोट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये भी हाल में न्यू नोट है, ठीक है, 2000 रुपये की नोट, 2000 की जो नोट है न्यू स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा है ये सब अभी हमारे मार्केट में, आई मीन कि ये सब नोट्स चल रही है कि रुपए सिक्के। स्टूडेंट्स ये चैप्टर है हमारा मनी के बारे में, पैसों के बारे में, कॉइन्स एंड नोट्स, ओके स्टूडेंट्स। तो जो कॉइन होता है स्टूडेंट, ये देख सकते हो कॉइन, कॉइन किससे बने होते हैं, मेटल से, और ये जो नोट है ये किससे बने होते हैं, पेपर से बने होते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन वन, मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग कॉइन ऑफ 1, 2, 5 इन डिफरेंस वे एज पर एग्जाम्पल, ओके स्टूडेंट्स। हमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, हमें यहाँ पर यूज़ करना है 1 रुपीज़ का कॉइन, 1 रुपये का सिक्के, 2 रुपये के सिक्के, 5 रुपीज़ के सिक्के कंप्लीट करना है यहाँ पे जो दिए गए स्टूडेंट्स। इस तरह से देखो, जैसे यहाँ पर 1 रुपी दिया तो 1 का लिया, 2 रुपीज़ दिया तो स्टूडेंट्स हमें कितने सिक्के लिए, हम लोग ने 2 का लिया, ठीक है, यहाँ पर 2 रुपीज़ का, यहाँ पर 1 के 2 सिक्के लिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया गया है 3 रुपीज़, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 1 रुपीज़, ओके 1 रुपी, अच्छी तरह स्टूडेंट्स आप लोग कर सकते हैं, मैं तो आप लोग एग्जाम्पल बता रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, 1 रुपी एंड 2 रुपीज़, यहाँ पर ऐसा आएगा 2 रुपीज़ के, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये स्टूडेंट, 1 + 2 कितना होता है 3, कितना हुआ स्टूडेंट 3, अब 3 रुपीज़ में, ओके स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 रुपये में से हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 हमें करना है 1 रुपी, ओके हमें यहाँ पर 1 रुपीज़ की कितने लेना है 3 सिक्के लेना है, 3 कॉइन्स, ओके यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें 1 रुपी के 3 कॉइन्स लेने हैं। ओके स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 रुपीज़ लिखा हुआ है कि 3 रुपये था, हमें क्या 1 कॉइन लिया एंड 2 कॉइन लिया, तो 1 + 2 = 3। अब स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 3 रुपीज़ में 1, 1 और 1, ओके तो 1 की 3 कॉइन्स लिए, तो 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, तो स्टूडेंट्स कितना हो गया 3 रुपीज़, 3 रुपये हो गए। अब करना स्टूडेंट्स हमें 4 रुपीज़, ओके स्टूडेंट्स, तो 4 रुपीज़ में किस तरह से हम करेंगे, 4 रुपीज़ में चलो स्टूडेंट्स हम कर सकते हैं, कर लेते हैं पहले 1 रुपी, ओके पहले हम ये छोटा अमाउंट लेंगे, ठीक है 1 रुपी, ओके अब यहाँ पे लेंगे 2 रुपीज़, पहले हमें 1 का कॉइन लिया, फिर 1 का कॉइन लिया, फिर लास्ट में 2 का कॉइन लिया, तो 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 4 हो गया ना स्टूडेंट, अब यहाँ पे 4 रुपीज़, ओके स्टूडेंट, तो 4 रुपीज़ कैसे करेंगे यहाँ पर हम 2 रुपीज़ का कॉइन लेंगे, ओके स्टूडेंट्स, और फिर यहाँ पर लेंगे स्टूडेंट्स 2 रुपीज़ का कॉइन लेंगे, ठीक है, तो 2 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़, 2 + 2 = 4, ओके अब स्टूडेंट्स में 4 रुपीज़ पे करना है स्टूडेंट्स, 4 रुपीज़ में हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लेंगे स्टूडेंट्स पहले, तो स्टूडेंट्स 4 रुपीज़ में क्या करेंगे, 1 1 रुपी के हम कितने 1, 2, 3, 4 4 कॉइन लेंगे, कितने लेंगे स्टूडेंट्स 4 कॉइन, ओके स्टूडेंट, तो 1 + 1 किया तो 2, 2 + 1 किया तो 3, 3 + 1 किया तो 4, ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट देखा आप लोगों ने यहाँ पर 4 रुपीज़ में हमने पहले कर लिया, 1 1 के 2 कॉइन लिए और फिर 2 का कॉइन लिया, तो देखो 1 1 + 1 = 2 हो गया, 2 + 2 = 4, स्टूडेंट 4 रुपीज़ का लिया तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 + 2 हमने पहले 2 का कॉइन लिया, फिर बाद में 2 का कॉइन, 2 + 2 = 4 हो गया, और 4 रुपीज़ में स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया 1 1 के कितने 4 कॉइन लिए, तो टोटल कितना हो गया स्टूडेंट्स हमारा, टोटल हो गए 4 रुपीज़, ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब क्या करना स्टूडेंट्स, हमें 5 रुपीज़ का बनाना, ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अमाउंट दिया हमें, अमाउंट वाले जो कॉइन हमें यूज़ करने हैं, ठीक है, तो मैंने पहले क्या किया, पहले 2 रुपीज़ का कॉइन लिया, फिर 1 रुपीज़ का, फिर 2 रुपीज़, तो 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 2 = 5, ओके स्टूडेंट्स हो गया टोटल 5 रुपीज़, उस पर स्टूडेंट्स 5 रुपीज़ हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना, पहले मैंने 2 रुपीज़ का कॉइन लेंगे, फिर 1 रुपी एंड 1 रुपी, तो 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4, 4 + 1 = 5, ओके स्टूडेंट हो गया टोटल 5 रुपीज़, फिर स्टूडेंट्स से 5 रुपीज़, ओके स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 रुपीज़ की नोट लेंगे, फिर 2 रुपीज़ की एंड प्लस 1 रुपीज़, ओके स्टूडेंट 2 + 2 = 4, 4 + 1 = 5, ओके स्टूडेंट्स टोटल हो गया 5 रुपीज़, तो 5 रुपीज़ की 5 रुपये की नोट कंप्लीट, स्टूडेंट्स के बाद स्टूडेंट्स क्या है 5 रुपीज़, ओके स्टूडेंट समझ में, हम 5 रुपीज़ में 5 रुपीज़ के कॉइन ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स,
फिर है 6 रुपीज़। तो 6 रुपये में क्या करना फ्रेंड, पहले हम 2 का कॉइन लेंगे, फिर 2 का, फिर भी उसके बाद 2 का, तो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, तो टोटल हो गया फ्रेंड 6 रुपीज़। फ्रेंड्स अब क्या करना है, हमें 6 रुपीज़ करना है, ठीक है फ्रेंड्स। हमें 6 रुपीज़ में इसमें अमाउंट अप करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे 5 का कॉइन लेंगे, फिर 1 का कॉइन लेंगे, तो 5 प्लस 1 6, आपका ना फ्रेंड 6 रुपीज़। तो फ्रेंड 6 रुपीज़ में क्या करेंगे, पहले हम 2 का कॉइन लेंगे, फिर 2 का कॉइन लेंगे, 2 प्लस 2 4, फिर हम 1 का कॉइन, फिर इसके बाद 1 का कॉइन, तो फ्रेंड्स 4 प्लस 1 5 5 प्लस 1 6 कम्प्लीट्स। फ्रेंड्स यहाँ पर है 6 रुपीज़। 6 रुपये में क्या करेंगे, पहले हम 2 का कॉइन लेंगे, फिर 1 का कॉइन, उसके बाद 1 का कॉइन, फिर 1 का कॉइन, फिर 1 का कॉइन, ओके फ्रेंड्स। और 2 हम 1 टाइम लेंगे, 1 1 के 4 कॉइन, कितने फ्रेंड्स 4 टाइम लेंगे, तो फ्रेंड 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 4 प्लस 1 5 5 प्लस 1 6, ओके 6 रुपीज़ कम्प्लीट्स। ओके चलो अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे भी 6 रुपीज़। 6 रुपीज़ क्या करें फ्रेंड्स, हम 1 रुपी के 1 2 3 4 5 6 फ्रेंड, 1 1 रुपी के हम कितने टोटल फ्रेंड्स 6 कॉइन्स लेंगे, तो टोटल कितने फ्रेंड्स 6 सिक्के लिए, ठीक है फ्रेंड्स 6 कॉइन्स लिए तो टोटल कितना होगा फ्रेंड्स 6 रुपीज़। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप लोग को पेज नंबर 208 में यहाँ तक कंप्लीट करना है, और फ्रेंड्स पेज नंबर 208 में मैं लर्न बाय हार्ट कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ से। थैंक यू।